नमस्कार दोस्तों, द फेक टाइम में आपका स्वागत है। मैं सिद्ध रविता जी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेक्चरर हैं और डेरा सच्चा सौदा के साथ ये बचपन से जुड़ी हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा में गर्ल्स को लेकर माहौल के बारे में। आपके साथ इनके साथ सीधी बातचीत दिखाएंगे आपको। नमस्कार रविता जी, द फेक टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा में, बीइंग गर्ल कैसा महसूस करती हैं? बीइंग गर्ल मैं यहाँ पे बहुत सेफ फील करती हूँ। मैं यहाँ पे टीचिंग जॉब करती हूँ और कभी भी मुझे ऐसे कोई इनसिक्योर एनवायरनमेंट नहीं लगा। और सच पूछो तो मैं घर जैसा माहौल ही यहाँ पे फील करती हूँ, बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। रविता जी, आपने बताया यहाँ के स्कूल में आप टीच करते हो डेरा सच्चा सौदा स्कूल में। स्कूल के बारे में, आश्रम के बारे में काफी बातें दिखाई जा रही थी 3-4 साल पहले, क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे में? मीडिया ने जो दिखाया है वो एकदम झूठ था, उनमें से कुछ भी सच नहीं लगा मुझे जितना मैंने देखा है। बट अगर मैं बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए टीचर, एक एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है। मैं हर लड़की के लिए यही रिकमेंड करूंगी, जो पेरेंट एक अच्छी स्कूलिंग के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो यहाँ से सेफ एनवायरनमेंट उनको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको पर्सनली, क्या लगता है? पर्सनली सब कुछ ही झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे करीब 9 ईयर से वर्किंग हूँ, मुझे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब कुछ ही झूठ है, कोई ऐसा एलिगेशन है। उल्टा गुरुजी ने तो हमें मतलब एक अच्छा रास्ता दिखाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए, लड़कियों को इतना बोल्ड बनाया है, ऐसा एनवायरनमेंट मैंने कभी कहीं नहीं देखा। यहाँ पर पब्लिक किस तरीके की आती है, मतलब एजुकेटेड आती है या फिर कैसी आती है? पब्लिक यहाँ पर हर तरह की आते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं और कुछ मतलब गाँव वाले एरिया से भी होते हैं, बट हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। ऐसा तो अंधभगत बोला जा रहा था, क्या कहना, क्या जवाब देना? तो विश्वास टूटे, दैट्स व्हाई वी से अंधभगत। जो पब्लिक उनको इस नाम से पुकारती है, यहाँ पर अंधविश्वास करते हैं लोग गुरुजी के ऊपर, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहोगे? अंधविश्वास, एक्चुअली ये अंधविश्वास नहीं है, जिस तन लागी सो तन जाने, उन लोगों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से मतलब उनका इतना विश्वास बन जाता है, दूसरे के नजरे से वो अंधभक्त होते हैं। एक्चुअली वो अंधभक्त नहीं है, वो बहुत अच्छे भक्त होते हैं। मतलब किस सोच से फिर आप लोग जुड़े हो, मतलब ऐसा क्या आपको यहाँ पर मिलता है, क्या अच्छा लगता है जो आप इनके साथ? अगर मैं बताऊँ, जो मुझे यहाँ से मिला वो मुझे कहीं से नहीं मिला। आप वो चाहे मतलब नॉलेज की बात करो, मैनर्स की बात करो, किसी भी तरीके से बात करो, जो मुझे यहाँ से मिला मुझे कहीं से भी नहीं मिला, इवन नॉट इवन माई फैमिली। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है गुरुजी का, सोसाइटी डेवलप करने के लिए? सोसाइटी को डेवलप करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी उन्होंने मतलब तरीका छोड़ा है जिससे भी हम इम्प्रूव ना करें, चाहे वो सफाई महाअभियान हो, चाहे वो गर्ल्स की एजुकेशन को लेके हो, उनकी सेफ्टी को लेके हो। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस यहाँ लगाई जाती हैं, उनको बताया जाता है कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है। ऐसा नहीं है कि उनको बाउंड किया जाता है, बट उनको उनके लिमिट्स भी बताए जाते हैं कि एज ए गर्ल उनको कितना, किस लेवल तक आगे जाना है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है गर्ल्स के लिए तो स्पेशली। कंट्री डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल है। आप गेम्स को ले लो, स्पोर्ट्स को देखो, मैं कहती हूँ इंडिया के जितने भी मेडल्स आते हैं तो उनका 10% यहाँ के बच्चे लेते हैं, और जितनी गर्ल्स एक्टिव मैंने यहाँ पे देखी है मैंने कहीं और नहीं देखी। मेरी स्टडीज़ यहाँ से नहीं है, वो मेरी बाहर से ही है, बट जैसा माहौल मैंने यहाँ देखा बाहर नहीं है कहीं भी। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी के लिए? सरकार से मैं अपील करना चाहूँगी कि उनकी जो अच्छाई है, उन्होंने जो अच्छी चीज़ें इस मतलब सोसाइटी को वो दी हैं, देने की कोशिश की है, उनको आगे बढ़ाया जाए। एक बार ही उनको डीप लिया जाए कि उन्होंने जो किया किस मोटिव से किया, मुझे कहीं पे भी वो गलत नहीं, उनका कोई भी पॉइंट कहीं भी गलत नहीं, चाहे वो लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके हो, जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए हैं वो सारे के सारे ही गलत हैं। क्या एक बार वो आए, देखें अच्छे से, मतलब परख करें उस चीज़ की, उसके बाद फिर हम मतलब सच्चाई दिखाई जाए, सबको बताया जाए कि नहीं वो गलत नहीं है, उन्होंने जो भी किया वो सोसाइटी के अच्छे के लिए ही किया है, और जितना उन्होंने किया ऐसा तो आज तक मुझे लगता है किसी ने किया भी नहीं है, चाहे वो वेश्याओं को बेटी बनाने वाला काम हो, चाहे फिर वो किन्नर को उनका थर्ड जेंडर का दर्जा देने वाली बात हो, सबसे पहले उन्होंने ही अपील की है। क्या आपको लगता है नीड है उनको सोसाइटी की? सॉरी, सोसाइटी को नीड है उनकी, उनकी गुरुजी की? जी जी बिल्कुल है। क्या इम्पैक्ट क्या आया है 3-4 सालों से जब से संत जी सोसाइटी में नहीं है? जैसे संत जी, अगर मैं इस एनवायरनमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे तो कुछ इतना खास नहीं है, बाकी
उनके होते हुए पॉजिटिव वाइब्स जो हम फील करते थे, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, मतलब उनसे हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं, वो हमारे एक्चुअली इंस्पिरेशन बन गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वेल एजुकेटेड लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं, ये हमारे साथ टीचर थे जिन्होंने बताया रियल फैक्ट क्या है डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का। लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे दिखा रहे हैं, आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए। एक तरफ ये लड़कियां जो बता रही हैं, एक तरफ गुमनाम चिट्ठी, आखिर सच क्या है ये आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा। पब्लिक क्या फैक्ट बता रही है और आपको सूत्रों के हवाले से क्या दिखाया गया, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।